कहो भाई वार्नर, क्या हाल है? तुम तो दोनों पारियों में कुछ कर ही नहीं पाए। पहले टेस्ट मैच की दोनों पारियों में कुछ कर ही नहीं पाए। मुझे तो ऐसा लगता है कि बेटा तुमको ठीक से बैट पकड़ना नहीं आता। बेटा तुम हमारे पास आओ, हम तुमको बैट पकड़ना सिखाएंगे और ठीक से क्रिकेट खेलना सिखाएंगे। पहले थे तुम्हारे पास खिलाड़ी, अब तो तुम हमारे आगे बार बराबर भी नहीं लगते हो। हाँ यार रोहित भाई, तुम कुछ कहो, सब ठीक है? क्योंकि हमने पहले मैच में कुछ कर नहीं पाए और अपने आपने कहा कि पहले थे हमारे पास खिलाड़ी, वो अब हमारे पास नहीं है। ये बात भी आपने ठीक कही। क्योंकि पहले हमारे पास पॉन्टिंग सर, हेडन सर, क्लार्क भाई, शेन वॉर्न जैसे महान खिलाड़ी थे जो आज हमारे पास नहीं है। इसलिए हम लोग तुम्हारे आगे कहीं भी नहीं टिक पा रहे हैं और मैच हारते जा रहे हैं। कहो भाई सिराज, तुम ही तो हो जो शुरू में ही ख्वाजा और वार्नर जैसे खतरनाक खिलाड़ियों को शुरू में ही टपका देते हो। तुम आजकल बहुत खतरनाक गेंदबाजी कर रहे हो। कहा कि तुमने पहले टेस्ट की दोनों पारियों में ओपनरों को जल्दी टपका दिया, इसलिए ये ऑस्ट्रेलिया वाले इतने खतरनाक तरीके से हार गए। हाँ विराट भैया, ये मेहरबानी आप लोगों की ही है। कहा कि हम कुछ नहीं जानते हैं, हम अभी बहुत युवा हैं, खेलना सीख रहे हैं और आप लोगों के इशारे पर नाचते रहते हैं, इसलिए हम मैच में इतना अच्छा कर पा रहे हैं। जब हम कुछ गड़बड़ करते हैं तो आप लोग रोहित भाई समझाते हैं, फिर हम उस गलती को सुधारने की कोशिश करते हैं, तभी हम मैच में अच्छा कर पा रहे हैं।